नाम मस्मा बेगम है, मेरी शादी होकर 3 साल हो रहा और मेरे हस्बैंड का नाम शेख अफरोज है, मेरा एक छोटा बच्चा है 1.5 साल का। मेरी शादी होकर 1 साल ही अच्छे थे, उन्होंने 1 साल के बाद उन्होंने उनकी रंगत बताई और उन्होंने उनका एक अफेयर निकला, उन्होंने दूसरी बच्ची को पसंद करते बोल के बोल रहे, मैं उनके मम्मी की पसंद की हूँ, उनकी पसंद की नहीं हूँ बोल रहे उनकी पसंद की बच्ची उनको बुला रही करते, उन मेरे सामने बात करते और बच्चियों को लेके आते, टॉर्चर करते, बच्ची को मारते, खाने पीने को नहीं देते। 3 साल से शहरी मेरी बच्ची, बच्चे को ले ले रहे, बच्चे को खींच ले रहे, ले लेके बेच देते बोल रहे बच्चे को, बहुत जुर्म हो गया, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। आज क्या हुआ वाकया आप लोगों के साथ? आज सुबह में मैं घर में अकेली थी, तो मेरे शौहर आके मुझे बच्चे को खींचने लगे के मेरा बच्चा मेरे को दे दो, मैं कुछ भी कर लेता हूँ बोल के, तो मैं खींचने लगी तो मेरे को टप से मार दिए और गला दबा दिए। देखिए निशाना, मेरा हाथ उठाने नहीं आ रहा मेरे को, टप पूरा चिंदिया चिंदिया हो गया। घर में मेरे अम्मा बाबा नहीं थे, अम्मी मालूम होती साथी हम लोग आ गए, हम लोग जाते जैसा मालूम होते साथी आके देखे तो बच्ची को मार के चिंदिया करके चले गया। आपका कहना है कि आपके वाला के घर में आपको 6 महीने पहले लाके छोड़ दिए, वजह क्या है? जी उन्होंने दूसरी बच्ची से जो अफेयर करे ना उनके साथ रस्म भी कर लिए उन्होंने, और उनकी बचपन की मोहब्बत है कहते उन्होंने नहीं छोड़ते बोल रहे उनको, उनके साथ रस्म भी हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ पे लेके आके छोड़ दिए उन्होंने। और अब बच्चे को मेंटेनेंस नहीं देख रहे, ना मेरे को देख रहे, ना फ़ोन कर रहे, ना बातचीत कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आपके शोहर का नाम क्या है? शेख अफरोज। आप कहाँ रहते हैं? हम ना तालाब कट्टे में रहते, हम लोग यहाँ से यहाँ पे रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में आए, यहाँ पर केस डाले हम लोग, अब यहाँ से महिला पुलिस वहाँ पर भी जा रहे और मेरा MLC कराने वाले हैं यहाँ पर। हम लोग इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दो। इससे पहले भी घर पे आके मैंने थे हम लोग सुने भाई, इससे पहले भी मेरे बच्ची को 4-5 जगह थे इनके अम्मा बहना और गैर आदमी को लेके आके घर में अटैक करे लोग, मैं जाने जाने बोल के लेट ले लिया। अब ये 4-5 दफा होगा, अब तो होना बोल के और मार रहे लोग, तो हम लोग से हम लोग काम करते, हम गरीब आदमी है साहब, इसलिए बोले ये लोग होना बोल के फायदा उठा के मार रहे मेरे को। अहमद बलारा साहब, मुमताज़ खान, अहमद खादी साहब से हम लोग चाह रहे थे MIML से हम लोगों को इंसाफ होना, मेरे को ये लोग हद पार कर दे रहे लोग, हम खामोशी का फायदा उठा रहे लोग, हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग ये लोग अब घर में घुस के मार रहे हैं साहब, हम लोग नहीं रहने फायदा उठा रहे हैं, बहुत आखिरी काम करे साहब, हमको इंसाफ होना। आप क्या होना? मैं बच्ची का बाप होना, मैं मोहम्मद गौस है मेरा नाम जी। ये लोग बहुत आम कैसे कर रहे साहब, ये लोग नहीं सुन रहे, आप जाने देने, हम लोग लाइट ले लिया, हमको इंसाफ होना और कुछ भी नहीं होना। ओके सर, चार दफा।